डिज्नीलैंड मेला एवं प्रदर्शनी प्रताप छात्रावास प्रांगण गुना। इस डिज्नीलैंड मेले में आप पाएंगे परंपरा। मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की गुना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजगढ़ सांसद रोडमल नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गिनाई भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सांसद ने कहा, विकल्प के रूप में दिया था आदेश, विश्वास के रूप में स्थापित हो गए हैं नरेंद्र मोदी। किसानों की नाराजगी को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि किसानों में किसी प्रकार की नहीं है नाराजगी, कांग्रेस का षड्यंत्र है ये बनावटी आंदोलन। गुना विधायक पन्नालाल शक ने बड़खेरा हाट में बोरिंग का भूमि पूजन कर जल के संरक्षण और महत्व को समझाया। बोरिंग के चलते अब गांव में पानी की समस्या से ग्रामीणों को मिल सकेगी निजात। मानसून के पूर्व बारिश की आशंकाओं के बीच अन्नदाताओं की उपज मंडी में पड़ी खुली, किसान परेशान। वार्ड क्रमांक 4 में जगदीश कॉलोनी में आज 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का हुआ शिलान्यास। मावन की कंट्रोल को पगारा स्थानांतरित करने के विरोध में मावन के ग्रामीण पहुंचे गुना मुख्यालय, किया विरोध प्रदर्शन और कहा गांव में समयानुसार मिल रहा है उन्हें कंट्रोल से राशन। बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निहाल देवी से शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा, पदयात्रा के माध्यम से करेंगे ग्रामीणों से सघन जनसंपर्क। 1 से 10 तारीख तक चल रहे किसान आंदोलन को भारतीय किसान सभा ने दिया समर्थन। स्वामीनाथन आयोग, शकर कारखाने की बकाया भुगतान, भावांतर योजनाओं में किसानों की परेशानी जैसे मुद्दों पर विरोध जताते हुए राज्यपाल के नाम आज सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर 6 तारीख से करेंगे धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश श्रीवस के रावगढ़ पहुंचने पर वहां पर उनका किया गया जोरदार स्वागत। बीड़ी श्रमिकों के लिए शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने से परेशान श्रमिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बीड़ी कामगारों को शामिल किए जाने का किया सरकार से अनुरोध। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में शंखनाद करेगी समता आंदोलन समिति। 3 जून को मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि करेंगे आयोजित विशाल सम्मेलन को संबोधित। धमधा में पत्नी की हत्या के आरोपी बादल सहरिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 मई को धमधा में महिला की गई थी हत्या।